जब से रोड शुरू हुआ है तब से गौतम गुलाटी और प्रिंस नरूला के बीच लड़ाई पे लड़ाई होती जा रही है। प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। यहाँ पे गौतम गुलाटी ने ई टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स को दी इंटरव्यू में बताया कि प्रिंस के मैं इमैच्योर बिहेवियर से बड़ा परेशान हूँ। शो में हम दोनों जज है, गैंग लीडर है और प्रिंस पता नहीं क्यों मुझसे कम्पीट करता है कि हम कंटेस्टेंट नहीं है। मैंने प्रिंस को कई बार समझाया कि मैं बहुत कूल और काम लड़का हूँ, मैं लड़ाई झगड़े में ज़्यादा पड़ता नहीं हूँ, लेकिन प्रिंस बार बार मुझ पर कमेंट करता है। जिसके बाद जब पारा हमारा हाथ से बाहर हो गया और मैंने सोचा कि मैं शो छोड़ दूँ, लेकिन फिर पता नहीं कैसे सलमान खान को ये बात पहुँच गई और उन्होंने भाई ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा अच्छा रुक, मैं 15 मिनट बाद तुझे फ़ोन करता हूँ। और फिर उन्होंने प्रिंस को फ़ोन करा, उन्होंने कहा कि प्रिंस तुझे कल फ़ोन करेगा। फिर प्रिंस ने मुझे फ़ोन करा, हमारे भी सब कुछ सही चला लेकिन फिर भी प्रिंस नहीं मान रहा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सेकंड खबर की जो आती है इलविश यादव और जिया शंकर के बीच। इन दोनों के बीच बिग बॉस में कल बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, बहुत भयंकर फाइट हुई थी। यहाँ पे इलविश को जो बिग बॉस है उन्होंने टास्क दिया था, इलविश को कहा गया था कि तुम किसी से भी कोई भी काम करा सकते हो। इलविश ने जिया शंकर से एक गिलास पानी लाने के लिए बोला और जिया शंकर ने यहाँ पे इलविश को साबुन का पानी पिला दिया। इलविश यादव ने पहले इस पर रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने उससे पूछवाया और जब बाद में पता चला कि साबुन का पानी था तो उन्होंने जिया को बोला कि जिया तुम ये साबुन का पानी क्यों लाई हो, एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकती। तो जिया उल्टा और लड़ने लग गई और इसके बाद सेम ऑन जिया ट्रेंड होता गया ट्विटर।